दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगी स्लीवलेस ब्लाउज को किस तरह स्टिच करें। सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग क्लास चैनल, बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पिछले वीडियो में मैंने आपको इसकी कटिंग के बारे में बताया था और आज की वीडियो में आपको सिलाई के बारे में बता रही हूँ। तो इसका मैंने कटिंग का वीडियो अपलोड किया है, आप वो भी देख लें जिससे कि कटिंग और स्टिचिंग दोनों आप एक साथ देख सकें। तो देखिए जो हमारा ये ब्लाउज है, ये 3 डॉट वाला ब्लाउज है, तो इसकी मार्किंग मैंने वीडियो में दिखा दी है पिछले में, और आज की वीडियो में आपको बता रही हूँ किस तरह हम इसको तैयार करेंगे। तो देखिए जो हमारा ये ब्लाउज है, यहाँ पर हम इसको अस्तर को साथ में रख देंगे। इस तरह से हम इसको सेट कर देते हैं। सेट करने के बाद चारों तरफ से हम इसको स्टिच कर देंगे। स्टिच करने के बाद जो नेक है इसको कट कर देंगे, और जो हमने प्लेट का मार्किंग किया इसी तरह हम दूसरे पार्ट में भी प्लेट का मार्किंग कर लेंगे, और फिर प्लेट डाल के इसकी फिनिशिंग देंगे, और फिर इसको बैक साइड भी पीस तैयार करने के बाद फिर आप पूरा ब्लाउज बताऊँगी कैसे तैयार करें। तो देखिए अभी हम ब्लाउज को स्टिच करते हैं। तो देखिए मैंने इसी नेक को ड्राफ्ट को रख के मैंने कैनवास कट कर लिया है, पट्टी नहीं लगा रही हूँ, डायरेक्ट कैनवास, और नीचे मैंने ये सीधा ब्लाउज रखा है, उसके ऊपर लाइनिंग रखा है, और उसके ऊपर कैनवास रख के मैंने यहाँ से यहाँ तक स्टिच डाल दिया है। और अभी हम नेक को पलट देते हैं, जो यहाँ पर एक कट दे देते हैं जिससे इसकी फिनिशिंग आ सके, और इस पार्ट को हम यहाँ पर पलट देंगे। पलटने के बाद किनारे पे हम सिलाई डाल के इसको सेट कर लेते हैं, इसको चारों तरफ से स्टिच कर लेते हैं लाइनिंग के साथ में, और फिर हम इसमें प्लेट डालेंगे। देखिए मैंने पलट दिया है और चारों तरफ इसको स्टिच कर दिया। अभी हम यहाँ पे प्लेट डालते हैं जैसे हमने मार्किंग की थी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम नॉर्मल ऐसे ही स्टिच डाल देते हैं जिससे ये दोनों पीस हमारे सेट हो सके। अभी हम यहाँ से बीच में से पकड़ के इसकी प्लेट डाल देते हैं। तो देखिए मैंने नीचे वाली प्लेट डाल दी है, और सेम अभी हम जो साइड की हुक पट्टी वाली साइड है यहाँ पर भी डाल देते हैं। अभी मुड्डी साइड में डाल देते हैं, तो यहाँ पर भी इसी तरह से डालना। तो देखिए मैंने मुड्डे की तरफ भी प्लेट डाल दी है, हमारी ये 3 डॉट कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम यहाँ पे हुक पट्टी साइड में इसकी फिनिशिंग दे देते हैं। उसके लिए मैंने ये 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कट कर ली है, और इस तरह से डबल फोल्ड करके यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं नेक से। और जैसे हमने यहाँ पर प्लेट डाली हल्की सी इसमें भी डाल देंगे, इससे फिनिशिंग आ जाती है और खिंचाव नहीं रहता है पट्टी में। यहाँ से यहाँ तक स्टिच कर दिए, पट्टी को इस तरह से पलट देंगे। पलटने के बाद एक किनारे पे सिलाई डाल देंगे, उसके बाद हम अंदर इस तरह से इसको फोल्ड करके यहाँ पर स्टिच डाल देंगे। बाद में आप चाहें तुरपाई कर सकते हैं। सेम इसी तरह मैं कमर में भी फिनिशिंग दे दूंगी। तो देखिए मैंने ये दोनों पार्ट तैयार कर लिए हैं, और इसकी देखिए जैसे बताया था मैंने इसको इसी तरह से, और यहाँ पे मैं इसमें तुरपाई कर देंगे। तो देखिए दोनों पीस हमारे तैयार हो चुके हैं। यहाँ पे मैं लेस लगाऊंगी, मैंने इसी का फ्रंट बैक डिजाइन भी बनाया है देखिए, और इसमें मैंने लेस यूज़ की है, तो मैं नेक में भी लेस यूज़ करूँगी। तो देखिए जो लेस है हम यहाँ से नेक से यहाँ तक अटैच कर देंगे, शोल्डर से लेंगे और नेक तक स्टिच कर देंगे। तो देखिए ये लेस लगा के मैंने दोनों पार्ट तैयार कर लिए हैं, और मैंने एक हिस्सा मैंने शोल्डर से जॉइंट भी कर दिया है। और ये कैसे जॉइंट किया, कैसे फिनिशिंग दी है वो आपको बताती हूँ। देखिए इसको सीधा रखेंगे बैक साइड पार्ट को, और इस आगे के पार्ट को इस तरह से उल्टा रख लेंगे, और यहाँ पर शोल्डर से स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने ये शोल्डर पे जॉइंट कर दिया है, और यहाँ पे आर्म होल की फिनिशिंग देते हैं। उसके लिए मैंने ये पट्टी कट कर ली थी, और वो मैंने साइज के अनुसार जॉइंट कर ली है, और इन पट्टियों को हम इस तरह से डबल फोल्ड करते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक साइड से, और यहाँ पे एक एक प्लेट डाल देंगे। इससे क्या है कि ये स्लीव लेस है, यहाँ पे अच्छे से फिनिशिंग आ सके, और बाद में हम अंदर की तरफ तुरपाई कर देंगे। क्योंकि ये पट्टी हम थोड़ी चौड़ी लगा रहे हैं, इसलिए अगर नॉर्मल पट्टी रहती है हमारी तो उसमें हम ये प्लेट नहीं डालते हैं। खाली एक ही प्लेट डाली है मैंने यहाँ पर गुलाई के टाइम पर।
सेम आगे के पार्ट में भी इस तरह से एक डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने सिलाई डाल दी है और बाद में जैसे मैंने बताया यहाँ पर तुरपाई कर लेंगे। अभी मैं इसमें लेस लगा रही हूँ क्योंकि मैंने नेक में यूज़ की है और ये स्लिप लेस है, तो यहाँ पर भी लेस लगा देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये मैंने लेस ले ली है और यहाँ पर से हम इस तरह से इसको डबल फोल्ड कर देंगे क्योंकि बाद में हमको तुरपाई करनी है। और लेस को हम इस तरह से जो ये गोल्डन है ये अंदर की साइड लेते हैं और पिंक वाले बाहर की साइड लेते हैं। तो देखिए जो हमारा ये सिलाई मार्जिन है वो हम छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ तक हमको ज़रूरत नहीं है। सिलाई मार्जिन छोड़ने के बाद यहाँ से अटैच कर देते हैं। तो देखिए मैंने ये लेस दोनों साइडों के शोल्डर में लगा दिया है। अभी मैं ब्लाउज की फिटिंग करती हूँ। तो जैसे मैंने 34 साइज का बनाया था, देखिए यहाँ पे हम 8.5 इंच लेंगे हमारे साइज के अनुसार और कमर हमारी 28 है तो यहाँ पे हमारा 7 इंच आएगा। और यहाँ से हम इस तरह से यहाँ पर मार्किंग कर दिया है और दोनों पार्टों को हम इस तरह से पकड़ेंगे यहाँ से मुड्ढे से बराबर से सेट करते हुए और सिलाई स्टार्ट करते हैं। और जो हमारी ये तुरपाई की पट्टी है इसको हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके यहाँ पे इस तरह से सेट करके और सेम स्टिच डाल देते हैं। तो देखिए मैंने दूसरी साइड भी इसकी फिटिंग कर दी है। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड हमने फिटिंग कर दी है। यहाँ पे हमने हुक लगा दिए और अंदर हमने काज कर दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर हमारे ब्लाउज का लुक आ रहा है। देखिए पीछे का हमारा ये डिजाइन है। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर हमारे ब्लाउज का ये डिजाइन बनकर तैयार हो गया है। और देखिए इसी ब्लाउज के मैंने ये लटकन भी बनाया। तो जैसे मैंने बताया आप इस वीडियो को भी देखें जिससे कि आपका पूरा ब्लाउज डिजाइनर बन सके। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।